क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है। कहा गया है अ लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ रेडियस आर कैरीज अ टाइम डिपेंडेंट करेंट आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू टी इंटू वन माइनस टी। रिंग ऑफ रेडियस टू आर इज प्लेस्ड कोएक्सियली नियर इट्स मिडिल, है ना। जैसे देखेंगे यहाँ डायग्राम में बनाया गया है, ये सोलेनोइड है, सोलेनोइड का जो रेडियस है वो है आर, तो डायमीटर हो गया 2R, जबकि ये रिंग है यहाँ पर, है ना। तो रिंग का रेडियस है 2R, इसका डायमीटर हो जाएगा 4R, है ना। ये तो कहा गया रिंग ऑफ रेडियस 2R इज प्लेस्ड कोएक्सियली नियर इट्स मिडिल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 टू 1, द इंड्यूस्ड करेंट IR एंड द इंड्यूस्ड EMF VR इन द रिंग चेंजेज एज। इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है कहा गया T इज इक्वल टू 0.5, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट रिवर्सेज एंड इंड्यूस्ड EMF इज 0, है ना। तो हम लोग चेक करेंगे, इसी तरह का ऑप्शन बाकी भी है, इस तरह का ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें पता करना है इंड्यूस्ड करेंट का वैल्यू और फिर इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू। ये दोनों पता कर लेंगे तो हम लोग ये जो ऑप्शंस हैं उनको चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत है। तो हमें पता है कि अगर इस सोलेनोइड से आई करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट एन इंटू आई। तो म्यू नॉट एन, आई का वैल्यू है आई नॉट इंटू टी इंटू वन माइनस टी, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो ये जो रिंग है इस रिंग से फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे तो लेंगे उसका एरिया, रेडियस है ये, है ना। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वहाँ पर केवल आर रेडियस में ही है, तो हम 2R नहीं लेंगे बल्कि R ही लेंगे, है ना। केवल ये जो एरिया है यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड इसमें लॉन्ग सोलेनोइड में जीरो माना जाता है। तो एरिया केवल पाई आर स्क्वायर लेंगे, पाई आर स्क्वायर एरिया सोलेनोइड का एरिया के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इक्वल है। मैग्नेटिक फील्ड केवल इसी एरिया में है, बाहर वाले एरिया में है नहीं, है ना। तो ये हो गया एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन इंटू आई, ये आई नॉट इंटू टी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा टी माइनस टी स्क्वायर, ये आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर हमें EMF फाइंड करना है रिंग से तो क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी फाई बाई डी टी, केवल मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। वैसे आगे एक माइनस साइन आता है, मैं माइनस साइन नहीं लिख रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू म्यू नॉट एन आई नॉट, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो ये होगा वन माइनस टू टी, ये हो गया वी आर। इसी तरह से जब हम करंट निकालेंगे आई आर तो लिखेंगे ई एम एफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को जो है वो मैं आर ई लिख देता हूँ या आर आर लिख देता हूँ, रिंग का रेजिस्टेंस, है ना। तो वी आर हमने यहाँ फाइंड कर रखा है तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर म्यू नॉट एन आई नॉट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आर आर इंटू वन माइनस टू टी, ठीक। तो देख सकते हैं कि जो वेरिएबल पार्ट है EMF में वो ये वाला है और करंट में भी ये वाला है, ठीक। तो ये जीरो कब होंगे, जब ये वाला टर्म जीरो होगा, है ना। तो वी आर एंड आई आर आर जीरो व्हेन, ये दोनों में जो है सेम वैल्यू है तो वन माइनस टू टी को हम लोग जीरो कर देंगे, तो टी का वैल्यू आ जाएगा वन बाई टू यानी कि 0.5। अगर सेकेंड में हो तो सेकेंड में हो जाएगा, आवर में हो तो आवर में हो जाएगा, जो भी हो है। वहाँ पर यूनिट नहीं दिया है क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग यूनिट नहीं लिखेंगे, ठीक। तो टी का वैल्यू 0.5 होगा तो EMF और करंट दोनों जीरो हो रहे हैं, और हमें पता है कि जब ये जीरो होंगे तो उसी इंस्टेंट पर इनका डायरेक्शन रिवर्स होगा, क्योंकि उसके बाद ये डायरेक्शन बदल जाएगा इनका, है ना। अगर ये अभी पॉजिटिव है तो टी का वैल्यू 0.5 से बड़ा करने के बाद ये निगेटिव में हो जाएगा, दोनों ही निगेटिव में हो जाएंगे, ठीक।
तो 0.5 सेकंड पर दोनों जीरो भी होंगे और उनका डायरेक्शन भी रिवर्स होगा। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन जो है ये सही ऑप्शन है। आप देख सकते हैं कहा गया एट टी इज इक्वल टू 0.5 डायरेक्शन ऑफ आई आर रिवर्स है, वी आर का भी रिवर्स होगा एंड वी आर इज जीरो, दोनों ही जीरो है, दोनों का डायरेक्शन भी रिवर्स हो रहा है, तो ये जो है ये सही ऑप्शन है। बाकी में कुछ ना कुछ गलत दिया हुआ है, जैसे दूसरा वाला ऑप्शन में कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ आई आर रिमेन्स अनचेंज्ड, उसका डायरेक्शन चेंज ही नहीं होता, यहीं पर गलत हो गया। तीसरे में भी लिखा है डायरेक्शन ऑफ आई आर रिमेन्स अनचेंज्ड, ये भी गलत हो गया। चौथे में लिखा है एट टी इज इक्वल टू 0.25 डायरेक्शन ऑफ आई आर रिवर्सेज, तो ये टाइम गलत हो गया इसमें, इसलिए गलत हो गया है ना। तो केवल पहला ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है।